मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा का एक बार फिर वीडियो वायरल हो रहा है। सत्तारूढ़ दल के विधायक शर्मा इस बार एसडीएम के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। विदिशा जिले में भाजपा विधायक अपनी ही सरकार में असहाय महसूस कर रहे हैं। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने सरोज एसडीएम के हाथ पैर जोड़े और पैर छुए। विधायक उमाकांत शर्मा एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने एसडीएम हर्षल चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनके क्षेत्र की जनता पानी की कमी से परेशान है। विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा, अधिकारी और कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार अधिकारियों से बोल चुका हूं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इस दौरान विधायक उमाकांत बहुत देर तक एसडीएम के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। उन्होंने एसडीएम से कहा, मैं आम जनता की तरह हाथ जोड़कर और पांव छूकर निवेदन कर रहा हूं, जल संकट को लेकर गंभीरता से कार्य करिए, जिससे लोगों को कुछ तो राहत मिले। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी कांग्रेस से मिले हुए हैं, ये केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को फेल करने में जुटे हैं। ज्ञापन देने के साथ में आए वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद सचिन शर्मा ने कहा कि वार्ड में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। इंटक्वेल में सफाई नहीं होने के कारण पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। चटौली ग्राम पंचायत में नल जल परियोजना की टंकी बनी हुई है, लेकिन चालू नहीं हुई है। गांव की 3000 पब्लिक परेशान है। विधायक शर्मा ने कहा कि विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया था। संकलोन और मोतीगढ़ गांव में भी नल जल योजना अधूरी पड़ी है। ठेकेदारों ने काम पूरा नहीं किया, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर पैसे खा गए और यहां लोग परेशान हैं। शहर में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, वर्षों से काम अटका पड़ा हुआ है। लोग पानी के लिए दूसरे गाँव पर निर्भर है। पीएचआई विभाग पूरी तरह नाकाम हो गया है। गाँव में नल जल योजनाएं बेकार पड़ी है। जिम्मेदारों के पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नाकामियों के कारण पानी गरीबों तक नहीं पहुंच सका है। पड़ रहा है, देखना चाहते हैं तो आप मेरे पाँव पड़ी।